वही खतरा में हिंदू को डाल रहा है। हाँ, वो हिंदू को खतरा में डाल रहा है, हिंदू मुस्लिम का के रेट लड़ाई मरवा कटवा के बराबर करवा देगा। हिंदू को जगा के एकजुट करने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। वो शायद आज से 10-15 साल पहले नहीं था, कोई बोलता नहीं था, लेकिन 10-15 साल से जब से ये लीडर बना है उसके बाद से ये और प्रचार हुआ है। जगल तो है आपका, धोरा के जाएंगे, वीरा सिंह करे जगाएंगे। इससे भी रक्षा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, कोई लड़ने वाला नहीं, वो लड़ाने वाला है। वो ऐसा हो कि हमारे बहू बीवी बच्चे चलते फिरते रोड पर उनकी सुरक्षा करे और वो अपने आप सुरक्षित हो। चंदन भी किए है, मिट गया होगा, चंदन है थोड़ा सा नजर है ना, तो हम भी हिंदू हैं, हिंदू हैं, असल हिंदू आप ही हैं। गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा कल लगातार आज चौथा दिन है और कल जो है उसका समापन होगा। अब जनता के बीच है, जनता से जानते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह ने कहा था कि हिंदू को हम जगाने निकले हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं निकले हैं। जनता है, जनता से जानते हैं कि क्या वाकई में अब तक हिंदू जो है सो रहे थे, क्या हिंदुओं को जगाने का काम गिरिराज सिंह कर रहे हैं या कुछ और उनका मकसद है। जनता के बीच है, जनता से जानते हैं। क्या कहिएगा, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं और हिंदू जगाने निकले हैं, कैसे देख रहे हैं? आज हिंदू सोया हुआ थोड़ा, हिंदू तो पहले से जगा हुआ है। हिंदू के क्या उजागाने, हिंदू उजागाने चला है, हिंदू तो जाग चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी कुमार हुआ। बंटी कुमार, टीका को लगा था का? यस, हिंदू हैं? हिंदू हैं। अब जगह हुए हैं? बिल्कुल जगह, पहले से जगह। गिरिराज सिंह क्या जगाएगा हमको ना? हम अब जागे हुए हैं, उसके जगह खतरा में है जी। कैसे खतरा में? गिरिराज सिंह कह रहे हैं उसको बोलने से क्या खतरा में हो जाएगा ना? कभी भी नहीं, हिंदू खतरा में नहीं है, खुद वही खतरा में हिंदू को डाल रहा है। गिरिराज सिंह, हाँ, वो हिंदू को खतरा में डाल रहा है, हिंदू मुस्लिम का के रेट लड़ाई मरवा कटवा के बराबर करवा देगा। मतलब दंगा भड़काने हिंदू को जगाने के लिए नहीं, वो हिंदू को मरवाने के लिए निकले हैं। हाँ, गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदू जगाने निकले हैं। हम नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते, हिंदू होकर उनका विरोध करे जी। बिल्कुल असली हिंदू है, नकली? हाँ नहीं, ओरिजिनल हिंदू है। देखिए टीक रखे बिल्कुल है, ओरिजिनल हिंदू है। मतलब ओरिजिनल हिंदू का पहचान टीक? हाँ टीक है, रखे टीक। को चंदन भी किए है, मिट गया होगा, चंदन है थोड़ा सा नजर है ना, तो हम भी हिंदू हैं, हिंदू हैं, असली हिंदू आप ही हैं। गिरिराज सिंह वो हिंदू है कि क्या है कि झूठों के झूठ मूठ के चंदन करता है? हाँ। हमको नहीं मालूम है उसके बारे में, हमको खुद पता है कि ओम नमः शिवाय डमरू उमरू लेके चले है पूरा भगवा पहन के। क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। आप हिंदू हैं? हाँ, तो हिंदू मुस्लिम जगे हुए के सो रहे हैं? जागे हुए हैं। गिरिराज सिंह निकल के जगाने आप लोग को? गिरिराज सिंह के फेर में नहीं है, हम लोग लालू के फेर में नहीं है। हम लोगों के फेर में नहीं है। अच्छा, हिंदू नहीं जगेगा? जगल तो है आपका, धोरा के जाएंगे। गिरिराज सिंह करे जगाएंगे, लोग हम नहीं जानते, वो सब हम लोग नहीं जानते हैं। वो हिंदू जगा के मरवाएंगे और कुछ करेंगे? किसको मरवाएंगे? हिंदू के, हिंदू के मरवा दे, जगाने निकले हैं। हां, जगाने ले, मरवावे ला निकले हैं। हिंदू हृदय सम्राट है। अरे पूछ ना, उस सब के हिंदू मुस्लिम एक अथी करवा के और दंगा फसाद के सब हिंदू के मरवाएगा और कुछ कर नहीं। हां हां, दंगा फसाद कराने निकले हैं। क्या करेगा? हां, अब हम लोग का जो जग है जी, तो सूतल है पूरा, ओम नमः शिवाय टी शर्ट लेकर डमरू उमरू सब उम लिखे हुए हैं। हाँ? हम लोग हिंदू को पहचाने हैं। गिरिराज सिंह है तो आप लोग बचे हुए हैं? उनका बलावत बचल है, क्योंकि हमने के बलावत बचल है। गिरिराज सिंह, हम लोग के बलावत बचे हुए हैं। तो मतलब हिंदू जगह है? जगल तो है, पूरा बनिया जगल है। कहा निकल गए जगाने? निकल गए जगाने, जगाने से फायदा है ना? कोई फायदा नहीं, तो जगल अपना ही है, जगल अपना ही है। क्या नाम है? और राहुल मौसा घूम रहे थे तो कहा था, राहुल मौसा घूम रहे थे तो अच्छा लग रहा था। अभी चार दिन आपके मौसा है राहुल जी, हमको नहीं पता था। सुनिए राहुल मौसा, हम थोड़ी बोल रहे, इधर बात सुनिए पहले। बात सुनिएगा, बात रखें। ये बताइए, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं, उनका कल आखिरी दिन यानी 22 तारीख को आखिरी दिन है, तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा से क्या लग रहा है, हिंदू जगेंगे अब? देखो, हिंदू हमेशा जगे हैं, वो बस उत्साह बढ़ा रहे हैं हिंदू के, बस लोग कह रहा जगा के मरवाने के चक्कर में। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसको कि राहुल जी क्या कर रहे थे, वो गोली चला रहे थे, जब राहुल जी गोली चला रहे थे, राहुल जी जनता को उत्साह बढ़ा रहे हैं गिरिराज सिंह, तो इससे पूछिए भैया से
क्या राहुल जी वहाँ फायरिंग कर रहे थे क्या? राहुल जी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे तो क्या चीज हिंदू जगह तो क्या हो गया? सवाल क्या है फिर? गलत बात, एक गलत बात, हम क्या बोले? पहले बात सुनो यार, हम क्या बोले? हिंदू क्या अब तक सो रहा था? सवाल ये सब बढ़ा रहे हैं, यही सवाल है ना? तो वही तो हिंदू जगह निकले हैं। हाँ तो क्या हो गया तुम्हें? कहा हिंदू जगह निकला है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण मुरारी हुआ। कृष्ण मुरारी जी आप जगह के सो रहे हैं? अरे हम जगे हुए हैं भाई। गिरिराज सिंह के जगाने से जगह है? नहीं जी, जगे हुए पहले से। गिरिराज सिंह बोला हम हिंदू जगा रहे हैं। हिंदू जगाते हो रहे हैं, सब सुतल थोड़ी है। हिंदू मुस्लिम करके तो देश को बांट रहे हैं, सब और क्या कर रहे हैं? कहता है हिंदू जगा हुआ, हम जगाने निकले हैं। अरे जगाने नहीं निकले, खुद साला जगा हुआ नहीं, दूसरे को क्या जगा? हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में है, क्या हिंदू खतरे में रहेगा? कुछ हो रहा है, हिंदू खतरा है तो हिंदू का कहाँ कला रेत रहा है? डेली रिपोर्ट सुने हैं आप टीवी मीडिया, मतलब इज्जत आबरू की रक्षा क्या? ऐसे भी रक्षा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, कोई लड़ने वाला नहीं, वो लड़ाने वाला है। फिर हाँ गिरिराज सिंह हिंदू मुस्लिम कह के सिख ईसाई का मरवाने कटवाने वाला काम कर रहा है, कटेगा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? भूपेंद्र कुमार। अभी हिंदू है? हाँ। जगह का सर जागा हुआ है? जगा हुआ है। हाँ। हाँ। देखिए ये सब बात में चुनाव बगल में है, 2025 में बीजेपी डर चुका है चुनाव से कि हिंदू मुस्लिम के करके कि जागो हिंदू, बेकूफ हिंदू नहीं है, समझ गई? लड़ाने के चक्कर। आप जगह है जी, आप जगह है आप? हम लोग जागे हुए हैं, बीजेपी डरा हुआ है। जगाया कौन? गिरिराज सिंह ना? वो डरा हुआ है। हाँ वो डरा हुआ बीजेपी। अरे आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा विष्णु प्रताप नाम हुआ। मैं सहरसा राजनपुर का रहने वाला हूँ। कोई व्यक्ति जागे तो जगा हुआ है। हाँ? किसी नेता के जगाने से आदमी नहीं जगती है। हाँ? पब्लिक खुद को जागना चाहिए ताकि स्ट्रगल खुद से करो कि देश हमारा है और हमारा एक ही नारा है कि हम किसी व्यक्ति को चुने तो वो ऐसा हो कि हमारे बहू बीवी बच्चे चलते फिरते रोड पर उनकी सुरक्षा करे और वो अपने आप सुरक्षित हो। अच्छा बताइए, आप एक सनातनी हैं, पूरा कंठ माला पहने हुए हैं गले में, तो ये बताइए कि गिरिराज सिंह का हम हिंदू जगाने निकले हैं, हिंदू को जगा करेंगे, तो आप लोग जग गए पहले ही? सुनिए, कहने का एक अर्थ हुआ, ना तो कोई हिंदू जगाता है, ना मुसलमान जगाता है, ना कोई सिख जगाता, ना ईसाई जगाता, अपना जेब भरता अपना पेट। हिंदू जगाना या मुसलमान जगाना कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदू जगह हुआ है ना जी? नहीं, व्यक्ति जगह हुआ, ना हिंदू जगह है ना मुसलमान जगह है, हर इंसान जगह हुआ, हर इंसान। चलिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है धर्मेंद्र बिहारी। धर्मेंद्र बिहारी, धर्मेंद्र बिहारी, बिहारी जी आप जगह का सो रहे हैं? जगे हुए हैं हिंदू तो जगह को जगाने निकले। हिंदू बहुत पहले से जगा हुआ है। हाँ। लेकिन हिंदू को जगा के एकजुट करने के लिए एक लीडर की जरूरत थी। हाँ। वो शायद आज से 10-15 साल पहले नहीं था। हाँ। कोई बोलता नहीं था। हाँ। लेकिन 10-15 साल से जब से ये लीडर बना है। हाँ। उसके बाद से ये और प्रचार हुआ है। हाँ। ठीक है, भाजपा ने हिंदुओं को जगाया है। हाँ, आप उसको भाजपा बोलो या अदरवाइज कोई सी भी सरकार बोलो, आपको एक लीडर की जरूरत होती है, एक अनुशासन की जरूरत होती है जिसके थ्रू आप चल सकते हैं। आपने कुछ बोला, इनने कुछ बोला, लेकिन अनुशासित उसमें है क्या? नहीं है। आज से 10-15 साल पहले ये था क्या? अब ये भाई बोल रहे थे कि हर किसी के घर से उठा के, चाहे अदरवाइज रोड पे उठा के रेप हो जाता है, कहाँ होता है? ये आज से 10-15 साल पहले की कहानी थी। अच्छा। अभी होता है क्या? अभी नहीं होता, सब सुरक्षित है, कोई बलात्कार रेप नहीं हुआ है। नहीं होता है, अभी आप सब बात होता है उनकी बातों पे, लेकिन जितना अभी अनुशासन से जो रेप कम हुआ है अभी के जो दर पे, जो पुरानी दर है, आप इसकी तुलना कीजिए उससे पहले से ज्यादा। आप सुनिए, आप सुनिए, गिरिराज सिंह की यात्रा को कैसे देखते हैं? गिरिराज सिंह की यात्रा बहुत अच्छी है, अच्छी उन्होंने हिंदू जगह पहले से ही जा, हिंदू तो जगा हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ पे कितने लोग हैं जो इस चीज का समर्थन करते हैं कि हिंदू जगा हुआ है? क्या बोल रहे हैं आप? हिंदू जगह, गिरिराज सिंह हिंदू जनस यात्रा जगाने का कोशिश करते हैं। हाँ। तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाढ़ पे नहीं जनसभा यात्रा निकाल रहे हैं, नहीं शिक्षा पर निकाल रहे हैं, जो अनियमित रूप से बिजली बिल ले रहा है उस पर निकाल रहे हैं, किसान सर्वे में निकाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम खाली करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनू यादव। सोनू यादव जी, तो अभी तक सनातनी है, हिंदू और गिरिराज सिंह का विरोध कर रहे हैं, गिरिराज रहे आप लोग का जगह है? गिरिराज सिंह के अनुसार हिंदू सब सुतल है। गिरिराज सिंह के अनुसार हिंदू सब फूतल है, तो जगा रहे ना, जगी है? क्या जगा रहे हैं? हम लोग जागे हुए हैं, वो है फूतल है, गिरिराज सिंह फूतल है। शिक्षा पर हिंदू जगा हुआ है? हाँ जगा हुआ है। गिरिराज सिंह जगाने निकले जी, वो उनकी सोच है, उनको लगता है कि हमको कहने पे लोग हमको कहने पर लोग जगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह हुए हैं, सब जगह हुआ है। हाँ सब जगह हुआ है। चलिए, तो सारे हिंदू जो है वो जगे हुए हैं, गिरिराज सिंह से कहने से कोई जगने वाला नहीं है, हिंदू जो है बहुत पहले से ही जगा हुआ है। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं,
कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।